प्रादेशिक समाचार एकांश के इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हम सब जानते हैं, जिस प्रकार से हम आजकल स्मार्टफोन का उपयोग करने लगे हैं या फिर इंटरनेट के जरिए जुड़े हुए उपकरणों का इस्तेमाल करते हैं, और जिस तरह से इस सिस्टम ने हमारे जीवन को आसान बनाया है, हमारी कार्य पद्धति को बढ़ाया है, उसी तरह से इस पर खतरे भी बहुत है। बहुत तरह के खतरे मंडराते हैं और हमेशा ये चिंता बनी रहती है कि इसके सॉफ्टवेयर, इसके हार्डवेयर, इसके डेटा चोरी ना हो जाए, और इसीलिए देश में साइबर सुरक्षा को लेकर बहुत कार्य हो रहे हैं, बहुत सारी कोशिशें हो रही हैं ताकि हम आप यानी हमारे मोबाइल में सुरक्षित रहे डेटा और इसका दुरुपयोग ना। आज इसी विषय पे हम चर्चा करेंगे इस विशेष कार्यक्रम में, साइबर सुरक्षा एक चुनौती। और इस वक्त हमारे साथ इस जीवंत कार्यक्रम में जो अतिथि हैं, विशेष अतिथि हैं, उनसे पहले आपका परिचय कराते हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर आर के मिश्रा जी। डॉक्टर आर के मिश्रा जी राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र बिहार के डीडीजी यानी उप महानिदेशक हैं और राज्य सूचना अधिकारी हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है मिश्रा साहब जी। हमारे साथ एक और विशिष्ट अतिथि हैं जो वैसे तो आईपीएस अधिकारी हैं लेकिन ये आजकल एसपी हैं आर्थिक अपराध और साइबर क्राइम के, सुशील कुमार जी। सुशील जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। इससे पहले कि इस विषय पर हम बातचीत करें, आइए देखते हैं एक रिपोर्ट और समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर साइबर क्राइम है क्या और ये किस प्रकार हमारे लिए चुनौती बनी हुई है। हाईटेक होती इस दुनिया में आजकल हर व्यक्ति हर काम ऑनलाइन करने लगा है, चाहे दफ्तर हो या घर, बैंक हो या शॉपिंग। इसके लिए हर जगह इंटरनेट का इस्तेमाल हो रहा है और जैसे ही आप इंटरनेट से जुड़ते हैं कि साइबर सुरक्षा का खतरा पैदा हो जाता है, क्योंकि हैकर्स काफ़ी सारे तरीकों का इस्तेमाल कर साइबर सुरक्षा का उल्लंघन करते हुए आपके सिस्टम तक पहुंच सकते हैं। यही नहीं, आपके पर्सनल डेटा का भी दुरुपयोग कर सकते हैं। इसी खतरे को कम करने के लिए साइबर सुरक्षा का उपयोग किया जाता है। साइबर सिक्योरिटी का काम इंटरनेट नेटवर्क से जुड़ी डिवाइस, सॉफ्टवेयर, डेटा और नेटवर्क को सुरक्षा प्रदान करना होता है। साइबर सुरक्षा में कंप्यूटर और नेटवर्क में उपलब्ध किसी भी प्रकार की सूचना और डेटा को सुरक्षित और गोपनीय रखने का प्रयास किया जाता है। सबसे पहले आपको व्हाट्सएप पर एक मैसेज आएगा जो कि आपको यूट्यूब वीडियो को लाइक करने और सब्सक्राइब बटन दबाने के लिए एक निश्चित अमाउंट का ऑफर करेगा। अब आपसे ये कहा जाएगा कि अगर आप ये काम करते हैं तो आपको एक छोटी धनराशि दी जाएगी। अब आपको टेलीग्राम में ले जाया जाएगा जहां आपको टास्क मैनेजर के ग्रुप में डाल दिया जाएगा। इस प्रकार आपको काम ज्यादा मिलेंगे और आपको इन्वेस्ट करने के लिए भी कहा जाएगा। आपकी कमाई आपको ऐप पर तो दिखाई देगी लेकिन आपको ये पैसा निकालने की अनुमति बिल्कुल भी नहीं होगी। दरअसल ये एक बहुत बड़ा फ्रॉड है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले एक दशक में भारत डिजिटल राष्ट्र में तब्दील हो गया है। ऐसे में देश में साइबर खतरों की चुनौतियां भी बढ़ गई हैं। मौजूदा समय में हमारे देश में 840 मिलियन भारतीयों की ऑनलाइन मौजूदगी है जो 2025 तक बढ़कर 400 मिलियन हो जाएगी। पिछले 9 सालों में देश में इंटरनेट कनेक्शन में 250% की बढ़ोतरी हुई है। प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत 500 मिलियन नए बैंक खाते खोले गए हैं, 330 मिलियन रुपए डेबिट कार्ड वितरित किए गए हैं। अब तक भारत में 35 ट्रिलियन रुपए के यूपीआई ट्रांजैक्शंस हुए हैं। देश के 52 मंत्रालयों में 300 से अधिक योजनाओं को कवर करते हुए 300 मिलियन की राशि सीधे आम जनता के बैंक खातों में डायरेक्ट बेनिफिट स्कीम के जरिए पहुँचाई गई है। डिजी लॉकर में देश के लगभग 6 लाख बिलियन डॉक्यूमेंट संग्रहित हैं। ऐसे में देश में साइबर खतरों की संभावनाएं भी बढ़ी हैं। साल 2022 में इंटरपोल की ग्लोबल ट्रेंड की समरी रिपोर्ट के अनुसार रैंसमवेयर हमले, महत्वपूर्ण व्यक्तिगत डेटा की बिक्री, फिशिंग, ऑनलाइन घोटाले, ऑनलाइन बाल यौन शोषण और हैकिंग जैसे साइबर अपराध की कुछ प्रवृत्तियाँ दुनिया भर में गंभीर खतरे की ओर इशारा कर रही हैं। ऐसी आशंका है कि भविष्य में साइबर अपराध और कई गुना बढ़ सकता है। इसे देखते हुए भारत में साइबर आतंकवाद के मामलों में दंड विधान के लिए सूचना तकनीक कानून 2000 में धारा 66F को जोड़ा गया है। यह
किसी अधिकृत व्यक्ति को कंप्यूटर के इस्तेमाल से रोकता है या रोकने के का कारण बनता है, ऐसे में आम लोगों को इन खतरों से बचाने के लिए जागरूक किए जाने की ज़रूरत है। हालांकि हमारे राज्य बिहार में साइबर अपराध के बढ़ते खतरे से निपटने के लिए रेल पुलिस स्टेशनों सहित सभी 38 जिलों में 44 साइबर पुलिस स्टेशनों की स्थापना की गई है, जहां सैकड़ों लोग ऑनलाइन ठगी के साथ ही खातों से पैसे की अवैध निकासी की FIR दर्ज करा रहे हैं। इसमें से अनेक लोगों को अपने पैसे वापस भी मिले हैं। तकनीक का इस्तेमाल अगर हम करते हैं तो उसके नियमों और खतरे से बचाव के तरीकों का पालन भी हमें करना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, दूरदर्शन समाचार, पटना। ये थी वो रिपोर्ट जिसके जरिए हम समझने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर साइबर क्राइम क्या है। और हम लौटते हैं अपने पैनल के पास। ऋषा जी, फिर से आपका स्वागत है, और सुशील जी, आपका भी फिर से स्वागत करते हुए हम ये समझने की कोशिश करना चाहते हैं कि मिश्रा जी, आपके पास ये सवाल हम आपसे करना चाहते हैं कि आखिर चुनौती बहुत बड़ी है, साइबर क्राइम होते हैं और हम उससे प्रभावित होते हैं, और हमारी हर चीज पे, चाहे वो कोई भी डिवाइस हो जो इंटरनेट से जुड़ी है, उस पर नजर रहती है ऐसे लोगों की, ऐसे संगठनों की, और जो भी इस सिस्टम में घुसना चाहते हैं, भेदना चाहते हैं। राष्ट्रीय चुनौती भी है, राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर भी इसको चुनौती मानी जा सकती है। सबसे पहले तो हम ये समझना चाहते हैं कि आखिर साइबर सुरक्षा क्या है। अपराध है तो सुरक्षा है, तो साइबर सुरक्षा से हम क्या समझते हैं, क्या तात्पर्य है? धन्यवाद जी। साइबर सुरक्षा से पहले हम ये समझे साइबर क्या है जी। अगर हिस्टोरिकली अगर हम चले समय के साथ, तो हिंदुस्तान में कनेक्टिविटी समय के साथ प्रोग्रेस होती आई, और 1990 तक इंटरनेट काफी हद तक पेनिट्रेट कर चुका था। लेकिन देखें तो उस समय साइबर के इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए कोई कानून नहीं था, और जब कानून नहीं था तो डिपेंडेंसी नहीं थी। ऑनरेबल कोर्ट्स में उन चीजों का एविडेंस के तौर पे नहीं बन जाती थी। सन 2000 में भारत सरकार ने मंत्रालय बनाया, डिपार्टमेंट बनाया जी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी के लिए, और एक जो 108 रिपोर्ट हुआ करती थी उसी के तहत मंत्रालय बना, और आईटी एक्ट का पदार्पण हुआ जी। आईटी एक्ट आने के बाद एक काफी कुछ प्रोग्रेस हुआ आईटी इंडक्शन में, और आईटी इंडक्शन जो है वो सिटीजन सर्विस के लिए और सिटीजन के अपने लिए। तो सिटीजन सर्विस की अगर बात करेंगे तो जो सरकारें, जैसे भारत सरकार है, बिहार सरकार है, तो जिस तरीके से जो सर्विसेज जो डिलीवरी होती है उसके लिए डिपेंडेंसी बढ़ा, तो सरकार ऑन बोर्ड उसके लिए, और जब सिटीजन सर्विसेज बढ़ी तो उसके ऊपर डिपेंडेंसी बढ़ता गया। एक समय था जब आपका डेस्कटॉप आया, लैपटॉप आए जी, इंटरनेट कनेक्टिविटी साइबर कैफेज में पहुंची, साइबर कैफेज से घर पहुंची, और उसके बाद मोबाइल पेनिट्रेशन अगर देखेंगे तो तकरीबन ऐसे मानिएगा कि अर्ली दिस सेंचुरी, मतलब 2001-2002 के आसपास मोबाइल का पेनिट्रेशन अच्छे से शुरू हुआ इंडिया में, और अगर मुझे ठीक ध्यान है तो 2002 में तकरीबन इनकमिंग कॉल फ्री हुई थी। वो होने के बाद बेसिकली क्या हुआ कि मोबाइल कनेक्टिविटी के ऊपर आपका पेनिट्रेशन बढ़ता चला गया, और फिर देखेंगे तो आपका जो डिपेंडेंसी उसके बाद एक लेवल ऊपर चली गई, लैंडलाइंस थी तो लैंडलाइन से हम माइग्रेट किए मोबाइल कनेक्टिविटी के ऊपर, मोबाइल फोन के ऊपर। आईटी एक्ट आने के बाद जो आईटी का इंडक्शन, कोई भी सेक्टर देखिए, फाइनेंशियल सेक्टर हो, हेल्थ सेक्टर हो, इंश्योरेंस सेक्टर हो, हर सेक्टर में सिटीजन सेंट्रिक सिस्टम जो है जो सरकार के हुआ करते हैं वहां, तो वहां भी जो आपका। अब देखेंगे तो अगर जब सिटीजन का डिपेंडेंसी जहां बढ़ता है कि सिटीजन जिस तरफ माइग्रेट करता है उस तरफ चुनौतियां बढ़ती है जी। तो जिस तरीके से कनेक्टिविटी के ऊपर डिपेंडेंसी बढ़ी उसी तरह से चुनौतियां बढ़ी, और आज की स्थिति देखेंगे अगर, तो ये तो हमने हिंदुस्तान की स्थिति की बात की, अगर आप विदेशों में भी देखेंगे तो
ग्रोथ पैटर्न जो है वो तकरीबन यही रहा है। जिस तरीके से जो ई के ऊपर जो हम ई के बाद में ई सर्विसेज या ई गवर्नेंस की बात करते हैं या पब्लिक सर्विसेज की बात करते हैं, तो ये बढ़ते गया, डिपेंडेंसी बढ़ती गई और थ्रेट्स बढ़ते गए। अगर हम आज देखें तो हिंदुस्तान के अंदर जो सबसे वल्नरेबल सेक्टर जो है वो है हेल्थ जी, और जो साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड साइबर क्राइम से रिपोर्ट जो जिस तरीके से बात करती है। दूसरा सेक्टर है आपका फाइनेंस एंड इंश्योरेंस, और तीसरा उसके बाद सब गवर्नेंस है जी। सो जब हमने सिटीजन जो है आप देखेंगे तो तीनों जगह जो है वो इम्पैक्ट होता है, इफेक्ट होता है। हेल्थ का बात किया तो सिटीजन का हेल्थ रिकॉर्ड है, उसकी सुरक्षा प्रदान करना दोनों तरफ से, क्योंकि सिर्फ सरकार जो है वो शायद इसमें अपने इनिशिएटिव ले रही है, बहुत कुछ इनिशिएटिव ले रही है, लेकिन एज ए सिटीजन जो है वो हमको भी जागरूक होना पड़ेगा, हमको भी अपनी सुरक्षा का दायित्व तो निभाना पड़ेगा। हम आपके पास फिर से लौटेंगे, लेकिन सुशील जी आपके पास आना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने कहा कि बहुत विस्तार से, और मुझे लगता है हमारे दर्शक इसका पूरा लाभ उठा रहे होंगे कि आखिर कैसे ये हो सकता है, कैसे हम अपने को सुरक्षित रख सकते हैं, लेकिन उस पर हम बाद में आएंगे। जरा सा हम ये जानना चाहते हैं कि आखिर जो बिहार में स्थिति है, देश और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बहुत बढ़िया से आके मिश्रा जी ने बताया, अगर राज्य की हम बात करें, क्योंकि आर्थिक अपराध और साइबर अपराध दोनों के आप एसपी हैं, तो मुझे लगता है कि क्या होता है इसमें, आखिर कैसे आप काम करते हैं, किस तरह की चीजें आती हैं, आपको लगता है कि अपराध है, किन बातों को हम मान सकते हैं कि आर्थिक अपराध में है, साइबर अपराध में है, और फिर हम कहां जाते हैं, क्या करते हैं? देखिए, जैसे मेरे पूर्व के वक्ता ने बताया कि धीरे धीरे हम डिजिटल इकोनॉमी की तरफ और डिजिटल वर्ल्ड की तरफ बढ़ रहे हैं, और अगर मैं कहूँ कि जब आईटी एक्ट, जैसा ठीक ही कहा इन्होंने कि 2000 में आईटी एक्ट आया, उसके बाद दो तीन समय के साथ संशोधन भी हुए उसमें, और अपराध जो है जब जैसे जैसे हम उस ट्रांजेक्शन्स को करने लगे, उसके इस्तेमाल को में ज़्यादा जाने लगे, जैसे गवर्नेंस की बात की इन्होंने और बाकी जो सेक्टर्स हैं जो कि पब्लिक को सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं, तो उसमें पेनेट्रेशन जैसा इन्होंने बताया कि जो क्रिमिनल्स हैं उन लोगों ने उस तरह से उसको अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना शुरू किया, जैसे लोगों ने जब एटीएम और उसके बाद फिर अब तो सब कुछ बहुत सारे पेमेंट ऐप्स हैं उनके माध्यम से और भी तरीकों से डिजिटल ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं, तो ये इसका इस्तेमाल करके उन लोगों ने लोगों के पैसे ठगने शुरू किए, और हाल के वर्षों में बहुत तेजी से ये अपराध बढ़े हैं, जागरूकता भी बढ़ी है, लेकिन जागरूकता और ज्यादा बढ़ाने की जरूरत है, और लोगों में इस बात की भी जागरूकता बढ़ाने की जरूरत है कि उनके साथ जो अपराध हुआ है वो उसको कैसे पुलिस को रिपोर्ट कर सकते हैं और कैसे अपने पैसे वापस ले सकते हैं, क्योंकि सरकार ने इसके लिए अलग से एक मैकेनिज्म और इकोसिस्टम तैयार किया जी। हम फिर आपके पास आएंगे, आपके शेर साहब आपके पास आना चाहते हैं, किन किन बातों का लोग ख्याल रखते हैं जिनसे उनके साथ इस तरह के अपराध ना हो? जैसे सामान्य बातों में अगर हम बात करें तो हम ध्यान रखते हैं कि हमें ये करना है ये नहीं करना, तो साइबर से जुड़े किन बातों का, क्योंकि इसकी उपयोगिता बढ़ रही है, जैसे जैसे इजी हो रहा है, आजकल हर मोबाइल से सब आप ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, यानी मोबाइल ने हमें ये सुविधा दी है, तो मोबाइल ने खतरे भी बढ़ा दिए हैं कि आसानी से कोई भी उसमें सारे डेटा निकाल सकता है, घुस सकता है, तो हमें क्या करना है जिससे हमारी ये मामले में सुरक्षा हो सके, क्या कहना चाहेंगे, डिटेल से आप समझना चाहेंगे? बहुत सही बोला आपने, सुविधा और सुरक्षा जी जी ये दोनों, और अगर असुरक्षा बोलेंगे तो सुविधा और असुरक्षा दोनों एक साथ चलती है, चाहे कोई भी युग हो चाहे कोई भी टेक्नोलॉजी हो जी। मैं थोड़ा सा चलूंगा कि 2015 में डिजिटल इंडिया है, जब भारत सरकार ने मिशन शुरू किया तो उसके बाद क्या सी क्रांति हुई डिजिटल वर्ल्ड में, और उसके साथ साथ जो साइबर फ्रॉड्स जो थे तो उसका होना एक बड़ा ही नेचुरल सी बात थी। अब इसमें देखा गया अगर हम तो इस सुरक्षा की तरफ अगर हम चले तो सरकार और नागरिक दोनों की जिम्मेदारियां हैं। अगर एक बार सरकार की तरफ चले हम तो केंद्र सरकार में अगर हम देखें तो केंद्र सरकार ने
है इस बीच में तकरीबन 2010 से लेके अभी तक अगर देखें तो एक दो जो मेरी जानकारी में है कि दो यूनिवर्सिटीज, एक नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी जिसके के 5 कैंपस जो है सरकार खोल चुकी है केंद्र सरकार, एक जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेंसिक साइंसेस हुआ करता था गृह मंत्रालय का, उसको एक यूनिफाई करके उस यूनिवर्सिटी के साथ मिलाया गया। सरकार ने एक और यूनिवर्सिटी शुरू की राजकीय रक्षा यूनिवर्सिटी। अभी बड़ा ही रिसेंट रिपोर्ट में देख रहे थे जो है कि पिछले वर्षों में तकरीबन पिछले 3 सालों में 3 से 5 गुना साइबर फ्रॉड्स बढ़े हैं इन सेक्टर्स में। डिजिटल पेमेंट्स, इसी बीच में डिजिटल पेमेंट की तरफ माइग्रेट हुए। इससे पहले अपन हेल्थ की बात कर रहे थे तो हेल्थ में अगर देखें तो एक हमारे एक बहुत बड़े केंद्रीय संस्थान में इस प्रकार जो घटना हुई थी, उसमें अटैक हुआ था जिसकी बाद में फिर इन्वेस्टिगेशन हुई और बाकी चीजें इस समय इसकी चर्चा कुछ समय सर्विसेज जी हाँ एम्स की चर्चा कर रहे हैं और उनका जो है तकरीबन अगर देखेंगे तो तकरीबन एक हफ्ते के लिए जो डिजिटल पेमेंट की अगर हम बात करेंगे तो ये हेल्थ सेक्टर का बात हो गया। हेल्थ में आपने बहुत सारी चीजें देखी होगी कि हेल्थ की इंफॉर्मेशन, पेशेंट की इंफॉर्मेशन लेने के लिए उस जो हॉस्पिटल सिस्टम से जो आपके चाहे प्राइवेट हो चाहे सरकारी हो उस पर भी बड़ा क्योंकि सिटीजन का डेटा उसके अंदर है, आपकी हेल्थ प्रोफाइल उसके अंदर है, आपकी हेल्थ प्रोफाइल उसी तरीके से आपके मोबाइल के अंदर भी है, रिपोर्ट्स हैं सब। मैं यही जानना चाह रहा हूँ कि आखिर ऐसे वो तो मतलब संस्थानों पर अटैक होते हैं, व्यक्ति पर अटैक ना हो, व्यक्ति को क्या करना है कि ताकि हम पर खतरे कम हो, कैसे हम अपने को सुरक्षित रख सके इस मामले में जी। तो सरकार ने देखा तो ये कदम लिए उसी तरीके से। एक मैं अपडेट और जिस तरीके से हम सब लोगों को पता है कि बड़ी जल्दी अभी पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल जो है अभी आ गया जी, पास हुआ है और अभी आगे एक्ट के रूप में आ रहा है। तो क्या हुआ कि जिस तरीके से हम पर्सनलाइज्ड डिजिटाइजेशन की तरफ गए, मतलब हैंड हेल्ड डिवाइसेस बात करेंगे, मोबाइल की बात करेंगे, तो मोबाइल के ऊपर जिस तरीके से हमारी डिपेंडेंसी बढ़ी तो मोबाइल जो है बड़ा वल्नरेबल हो गया और एक वो एंट्री पॉइंट हो गया। एक समय होता था जिस समय हम सोचते थे और सच्चाई भी यही थी, सुशील जी इस बारे में आगे डेटा दे सकते हैं कि जो अटैक्स होते थे वो डेटा सेंटर्स पे या सर्वर्स पे अटैक होते थे तो जहां पे डेटा रखा हुआ है। अब जो क्या हुआ है कि क्योंकि ये हैंडल डिवाइसेस बढ़ी तो अब बेसिकली क्या हुआ, एंट्री पॉइंट से जिसको कि एंड यूजर बोलेंगे, तो एंड यूजर जो हम इस चर्चा में बात कर रहे हैं तो एंड यूजर हमारा सिटीजन है। तो बेसिकली क्या हुआ है कि अब जो है वो अटैक्स जो देखेंगे तो उसमें से मेजोरिटी अटैक्स जो है वो हैंडल डिवाइसेस से मोबाइल डिवाइसेस के माध्यम से होती है और मोबाइल दोनों प्रकार के हो गए, एक तो स्मार्टफोन हो गया और दूसरा फीचर फोन हो गया। फीचर फोन भी एक मतलब जरिया है साइबर फ्रॉड्स के लिए, ओटीपी आते हैं, आप बैंक ट्रांजेक्शन करते हैं उसके ऊपर और अब तो सरकार जो है वो यूपीआई सर्विसेज भी जो है वो फीचर फोन के थ्रू देने की तरफ है। तो जब आपने बात किया स्मार्टफोन का बात किया तो स्मार्टफोन में क्या क्या कंपोनेंट हो गए अगर हम देखें तो स्मार्टफोन में एक हार्डवेयर हो गया जिसमें चिप हो गई, हार्डवेयर के बाद ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया और उसके बाद आपने एप्स का बात किया, एप्लीकेशन उसके ऊपर अलग अलग आपने इंस्टॉल की जो है आपने बेसिक अलग अलग सर्विसेज के लिए। तो अगर हम देखें तो एक जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम है उसके अंदर तो इसका मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम के पैचेस को हम समय समय पर, बिकॉज जो ओनर कंपनीज हैं वो पैचेस रिलीज करती रहती है उसको हम समय से अपडेट करें, एक बात। दूसरा हुआ बेसिकली क्योंकि अब देखेंगे तो क्योंकि एंड पॉइंट है आपका और एंड पॉइंट जो है वो बड़ा वल्नरेबल है, लोग उसके अंदर हैकर्स उसके अंदर एंट्री कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि हमको एंटीवायरस मैकेनिज्म, तो इस एंटीवायरस सिस्टम सॉफ्टवेयर हमको जो है उसके अंदर अपना डालना चाहिए। एक बेसिक चीज जो कि दोनों फोन्स में रहेगी कि ओटीपी से, तो ओटीपी से अगर कोई ट्रांजेक्शन अगर आपने इनिशिएट ना नहीं किया है तो उस ओटीपी को किसी के साथ शेयर ना किया जाए। टेलीकॉलर्स, हमारे देश के अंदर भी कुछ
आइडेंटिफाइड पॉकेट्स भी हैं, आइडेंटिफाइड डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहां से इस प्रकार के फोन कॉल जाते हैं। जी हाँ, फोन कॉल आते हैं और अटैक शुरू होते हैं। तो टेलीकॉलर्स को वो भी एक बड़ा माध्यम है जो कि आपके टेलीफोन में आपके मोबाइल में एंट्री करने के बिना ही फ्रॉड करते हैं जी, तो उससे 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 बचना। उसी प्रकार से अगर देखेंगे हम तो जो इन्फॉर्मेशन जो अपना जो लेते हैं उनको बेसिकली वो इन्फॉर्मेशन शेयर ना की जाए, तो ये सब जो है पर्सनल प्रकार की इन्फॉर्मेशन है। तो यहाँ भी अगर हम देखें हैंडल डिवाइसेस में तो कोई इन्फॉर्मेशन हम किसी भी कम्युनिकेशन के रूप में पास ऑन ना करें, ऑपरेटिंग सिस्टम्स को अपडेट करते हुए रखें, एंटीवायरसेस अपडेट करते हुए रखें। ये बेसिकली बेसिक हाइजीन है, साइबर हाइजीन है जो हमको ध्यान में रखना। बहुत अच्छी बात है आपने। सुशील जी आपके पास आना चाहते हैं, अगर किसी से इश्योर ना करें लेकिन अगर हो जाता है फ्रॉड तो सबसे पहले जो घबरा जाते हैं क्या करें, तो आप क्या सलाह देंगे क्या करें एसपी होने के नाते, क्योंकि आप इस मामले के एसपी हैं, तो उनको क्या करना चाहिए, किन किन कदमों से वो आप उनकी ज्यादा मदद कर पाएंगे? जी हाँ, जैसे सबसे पहले अगर आपको जैसे ही पता चलता है कि आपके साथ कोई फ्रॉड हो गया, क्योंकि आप डिजिटल पेमेंट्स हैं और आपको तुरंत बैंक से अगर पैसा निकलता है तो आपको मैसेज आ जाता है। आपके लिए मैं जानकारी के लिए बता दूं, दर्शकों के लिए भी बता दूं कि भारत सरकार का एक पोर्टल है, वेबसाइट है MHA का, cybercrime.gov.in, उस पर आप जाइए, लॉग इन कीजिए, अपना लॉग इन ID बनाइए और तुरंत रिपोर्ट कीजिए। उसमें आप फाइनेंशियल क्राइम की रिपोर्टिंग के लिए भी, क्योंकि अभी जो रिसेंट डेटा आया है उसमें 60-65% जो अपराध हो रहे हैं वो फाइनेंशियल फ्रॉड के हो रहे हैं जी। तो उसमें फाइनेंशियल फ्रॉड को रिपोर्ट करने के लिए एक अलग पोर्टल है जिसमें आपके साथ जो फ्रॉड हुआ है उससे संबंधित डिटेल्स आप उसमें अपलोड कर सकते हैं। एक सबसे अच्छी बात जो इसके साथ सरकार ने शुरू की है वो ये है कि सभी बैंकों को, पेमेंट ऐप्स को और जितने टेलीफोन सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, सबको सरकार ने एक मंच पर लाया है। और जितने लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी जैसे बिहार में बिहार पुलिस हो गए हम लोग हो गए, उसी तरह से पूरे देश के जितने लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी हैं सब एक प्लेटफॉर्म पर हैं। और अगर पब्लिक के साथ कोई फ्रॉड होता है और पब्लिक उसको रिपोर्ट करती है तो तुरंत उसका पैसा अगर उस गेटवे से भी बाहर नहीं निकल रहा जी, मतलब अगर क्रिमिनल ने उसको इनकैश नहीं किया हुआ है तो पैसा होल्ड हो जाता है। मैं आपको इस जानकारी के लिए बता दूं कि पिछले साल अगस्त सितंबर से ये ऑपरेशनल हुआ है और इसमें अब तक केवल बिहार में हम लोग 15.5 करोड़ रुपए लोगों को होल्ड करा चुके हैं और उसमें से करीब 70 लाख रुपया तो लोगों के अकाउंट में वापस भी जा चुका है। और इसके साथ ही साथ मैं लोगों से ये भी कहना चाहूंगा कि आप इस माध्यम को जरूर इस्तेमाल करें और आपको अगर इसको रिपोर्ट करने में कोई दिक्कत होनी हो रही है तो एक नेशनल साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर है 1930 बिहार में 1930 1930 बिहार में हम लोगों ने उसके लिए और स्टेप आगे बढ़ के एक और प्रयोग किया है और हमने उसके लिए 30 लाइन का कॉल सेंटर शुरू किया है जो हमारे आर्थिक अपराध इकाई में 2400 घंटे कार्यरत रहता है। आपके साथ अगर रात में 2 बजे भी फ्रॉड हो रहा है आप 1930 को कॉल कीजिए, हमारे जो कॉल अटेंडेंट है वो आपकी सेवा के लिए हाजिर है और आपको वो सहयोग करेंगे कि आप कैसे उस फॉर्म को भरें और तुरंत आपका पैसा अगर उस नेटवर्क में उस गेटवे से बाहर नहीं निकला होगा तो हम होल्ड कराएंगे। 1930 का इस्तेमाल सबको करना चाहिए, 24 घंटे कर सकते हैं जी हाँ, 2400 घंटे चालू रहता है वो और 30 लाइन है, अगर एक साथ 30 कॉल हम लोग अटेंड कर सकते हैं जी। इसी जुड़ी हुई बात है, मान लीजिए जो ऐप का इस्तेमाल नहीं करते वो जाके नहीं वेबसाइट पे कुछ कर सकते हैं, तो मैं देखता हूँ आजकल बिहार में कई जगह साइबर थाना करके, यानी थाना एक साइबर थाना के रूप में आपने शुरू किया, तो वहां पर जाके कैसे वो ले सकते हैं, कहाँ कहाँ साइबर थाना है, किन किन जिलों में? साइबर थाना में बताऊं कि जैसे हमारे आम थाना है जी जी, जैसे लोकल थाना होता है किसी भी जुरिस्डिक्शन में, तो साइबर थाने का जुरिस्डिक्शन पूरा डिस्ट्रिक्ट है। अच्छा। उस डिस्ट्रिक्ट में रहने वाला हर आदमी अपने जिले के साइबर थाने में जाके रिपोर्ट कर सकता है और साइबर थाने को इक्विप किया गया है उसमें टेक्निकली, हाँ टेक्निकली जो एक्सपीरियंस लोग हैं उनको हम लोगों ने बूस्ट किया है और वो लगातार आपकी सेवा के लिए, और वहाँ केसेज भी रजिस्टर्ड होते हैं और जो 1930 की सर्विसेज हैं ये भी वो प्रोवाइड करते हैं। तो मेरा रिक्वेस्ट यही रहेगा कि जो 44 थाने खुले हैं राज्य में, जो 38 जिले हैं और 2 पुलिस जिले, 40 जिले और चारों रेल जिलों में 44 पुलिस थाने हमारे 9 जून से कार्यरत हो गए, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में भी है सब जगहों पर, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में ही खोला गया है और उसमें जिले के अंदर रहने वाले कोई भी व्यक्ति जाके
अपनी क्राइम रिपोर्ट कर सकते हैं। जी मिश्रा साहब, आपके पास फोन आना चाहेंगे। ये तो हो गई बात कैसे हम लोग काम कर सकते हैं, कैसे लोग सुरक्षित रह सकते हैं, लेकिन अभी भी वही सवाल है कि आखिर ये भारत के लिए इस तरह से बड़ी चुनौती के रूप में है, इन चुनौतियों से निपटने के लिए हम सबको मिलकर कैसे काम करना होगा ताकि हम इस आने वाले कह सकते हैं आप बहुत बड़ी मतलब विपत्ति हो सकती है, जिस तरह से हमारे डेटा एम्स से चुराने की कोशिश की गई, हो सकता है कि स्पेस सेंटर से भी चुराने की कोशिश की जा रही हो सकता है हमारा कोई इस तरह का उपग्रह जा रहा है उसको डिस्टर्ब करने की कोशिश की गई हो, तो भारत सरकार इसके लिए अभी क्या कर रही है, आने वाले दिनों में हम किस तरह से इससे जूझ सकते हैं? भारत सरकार इलेक्ट्रॉनिक्स प्रौद्योगिकी मंत्रालय के माध्यम से कई इनिशिएटिव्स ले रही है जो कि गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। कुछ डेडिकेटेड ऑर्गेनाइजेशन जो है जो कि गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर गवर्नमेंट क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को देखने के लिए कार्यरत है। अभी जल्दी में सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने चिंतन शिविर का आयोजन भी किया था जिसमें कि इन सब बारे में किस तरीके से सिटीजन को अवेयर किया जाए, किस तरीके से एजुकेशन सिस्टम में बेसिक एजुकेशन सिस्टम में साइबर और साइबर सिक्योरिटी को लेके आया जाए, साइबर सुरक्षा को लेके आया जाए, तो जहाँ जिस तरह सरकार जो है एक तरफ काम कर रही है, राज्य सरकार केंद्र सरकार इस योजना में इस कार्य में लगी हुई है, तो नागरिक होने के तरफ से हमको बेसिकली सचेत रहने की आवश्यकता है। और उस समय मेरे ख्याल से निकल गया है कि जब हम ये सोचते थे कि आप कोई आप ऑनलाइन ट्रांजेक्शन जब करेंगे तब आपको फ्रॉड होने का या बैंकिंग ट्रांजेक्शन जब जो करेंगे उस समय फ्रॉड होने का चांस, अब आप जो डिजिटल फ्रॉड होने का पॉसिबिलिटी जो है वो तकरीबन 360 डिग्री हो चुका है। तो आपकी आप इस बात से समझ सकते हैं कि जब भारत सरकार जो पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल जब पास किया है कैबिनेट ने रिसेंटली, तो वहाँ उसकी भी हमको जरूरत पड़ चुकी है जो कि यूरोप में आज से 10 साल 20 साल पहले जो है इस करना था, तो हम भी तकरीबन उस तरफ हम चल पड़े हैं। एक साइबर एजुकेशन की हमें लग रहा है आवश्यकता है जो कि हर सिटीजन की जरूरत है। जो भी मोबाइल के यूजर्स हैं, हो सकता है कि कंप्यूटर ना भी यूज करते हो, जैसे आपने बोला कि पोर्टल्स पर ना जाते हो कंप्यूटर से ना जाते हो इंटरनेट से, लेकिन कम से कम मोबाइल पर इंटरनेशन तो अच्छा है, तो उस दृष्टि से देखा जाए तो हम उन सबको साइबर अवेयर कराने की जरूरत है। और दूसरा जो एजुकेशन सिस्टम है, एजुकेशन सिस्टम में भी हमको बेसिक्स को इसलिए किसको डालने की जरूरत है। जी बहुत महत्वपूर्ण जानकारी थी, मैं समझता हूँ हमारे सभी दर्शकों ने इसका पूरा लाभ उठाया होगा और आने वाले दिनों में भी इसकी वो जो जरूरत है कैसे हम सुरक्षित रहें इसमें ध्यान देंगे। तो जल्दी जल्दी आपका बहुत बहुत धन्यवाद मिश्रा साहब, और सुशील जी आपका भी धन्यवाद, हमारे दर्शकों का भी धन्यवाद जो लगातार डीडी बिहार के साथ बने रहते हैं। देखते रहिए डीडी बिहार, अभी के लिए इतना ही, नमस्कार।